हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मेरी भतीजी का बर्थडे है। लॉकडाउन के होने की वजह से मैं उसे विश करने नहीं जा सकती। उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं उसकी याद में चॉकलेट बना रही हूँ। आइए चॉकलेट बनाना शुरू करती हूँ। मैं एक स्लाइस डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली हूँ, यहाँ मोल्ड ली हूँ। अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ मैं पहले से ही प्याले को पानी यहाँ बॉल हो रहा है, मैं इसमें डुबो कर रख दी हूँ ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैं यहाँ चॉकलेट को डाल दूँगी ताकि चॉकलेट अच्छे से पिघल जाए। इस तरह से इसे पिघला लूँगी मैं अच्छे से। चॉकलेट अच्छे से पिघल रहा है और 5 मिनट लगेगा इसे पिघलने में। इसे मैं अच्छे से पिघला लूँगी। मोल्ड हो चुका है ये। अब मैं इसे मोल्ड ट्रे में डालूँगी। इस तरह मैं डालूँगी, सबको इस तरह से डालकर अच्छे से मैं इस तरह से डालूँगी इसमें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ चॉकलेट बिल्कुल रेडी है, यहाँ मैं सेट कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें कुछ दाने काजू के डालूंगी और इसे सेट होने के लिए आधे घंटे में इसे फ्रिज में रख दूंगी। इससे चॉकलेट बनाऊंगी, ये बहुत यमी लगती है चॉकलेट। कुछ दाने किशमिश की भी है, इसे भी मैं डाल दूंगी चॉकलेट के अंदर। अब मैं इसे सेट होने के लिए रख दूंगी। यहाँ मेरा चॉकलेट बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। आपके घर में ऐसे कुछ पार्टी हो, बर्थडे हो, सालगिरह हो, कुछ भी खुशी हो, चॉकलेट ज़रूर बनाएं, सेलिब्रेट करें। लॉकडाउन में बिल्कुल इसी तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है। एक ही इंग्रेडिएंट से ये बन जाने वाली चॉकलेट है। हर किसी को बहुत पसंद आती है, ख़ास करके बच्चों को बहुत पसंद आती है। चॉकलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और बताएं ये कैसी बनी है। आपके घर में बर्थडे हो, कुछ भी खुशी हो, उसमें बनाएं और सबको खिलाएं। ये हर किसी को पसंद आने वाली रेसिपी है। एक ही इंग्रेडिएंट से मैं यहाँ चॉकलेट तैयार की हूँ। बहुत यम्मी लगती है, हर किसी को पसंद आती है। आज मैं अपनी एंजल के बर्थडे पर बनाई हूँ, उसे दिल से याद कर रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।